Bunty. Ha, sweetie. This is for you. How sweet. Tanya. Red heart shape box and all, huh? Very nice. Shit. Bunty, mujhse shaadi karoge? Ye tumhara favorite question hai na, Tanya? Baar baar yehi puch ke darati rehti hu, huh? Are? Isme darane ki kya baat hai? और तुम्हें डराना ही होता तो मैं ये नहीं कहती कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो बेटर होता, लेस स्कैरी ना। लिसन स्वीन, तुम चाहो तो हम साथ साथ रह सकते हैं, लिव इन चलेगा, पार्टनर्स कहलाना चलेगा, बट नो मिस्टर एंड मिसेस एंड नो शादी। मैंने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया है कि मैं सिर्फ शादी करूंगी और वो भी तुम्हारे साथ। तो इस जन्म में तुम्हारा प्रॉमिस पूरा ही नहीं होगा तान्या। पंटी, शादी एक इंस्टीट्यूशन है, मेंटल इंस्टीट्यूशन है तान्या, और इसका लिविंग प्रूफ है मेरे माँ बाप। शादी प्यार का दी एंड है तान्या। पंची। एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट वंस यू मीट माय मदर एंड फादर। 10, 13, 10, 11, 10, बस 10, बस। क्या साहब, रोज 1000-2000 दर्जन माल खरीदते हो और 50 पैसे दर्जन के लिए खिचखिच करते हो। बहुत लंबी कहानी है। कितनी लंबी? 5 फीट 7 इंच लंबी। भैया, लोगों के यहाँ लाजवंती, गुणवंती, भागवंती आती है, मेरे यहाँ खर्चवंती आ गई है। खर्चा पानी का तो मतलब ही बदल दिया उसने, मेरे पैसों को तो पानी की तरह बहा देती है। कभी कभी तो इतनी देर तक शॉपिंग करती है कि वही मॉल के होम डिपार्टमेंट में कंबल तकिया लेके सो जाती है ताकि सुबह फिर शुरू हो जाए शॉपिंग के लिए। छोटी मोटी शॉपिंग तो हो गई, अब असली शॉपिंग कल करेंगे। इतना ही नहीं, अगर गाड़ी का स्टीरियो खराब हो जाए तो फिर वो नया स्टीरियो खरीद लेती है। नहीं, नई गाड़ी खरीद लेती है वो। और ये देखिए, ये आप ड्रेस देख रहे हैं, 2.5 लाख रुपए का ड्रेस है। कहते हैं कि मलिका शेरावत ने मर्डर फिल्म में ऐसा ही ड्रेस पहना था। अब बोलो, मलिका शेरावत ने मर्डर में ड्रेस पहनी थी? कब? यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए अपने रेस्टोरेंट के लिए हर रोज सस्ते फल और सब्जियाँ खरीदने के लिए मैं लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स से यहाँ आता हूँ। भाई साहब, ऊपर वाला ऐसी बीवी तो ओसामा बिन लादेन को भी ना दे। हे राम, तुमने जानबूझ के ड्रेस खराब कर दी। माला भला, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम चाहते ही नहीं कि मैं अच्छी दिखूं। वो तो वैसे भी मुमकिन नहीं है, इसलिए मेरे कुछ करने ना करने से क्या होने वाला है। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? हाँ बताओ ना, शादी क्यों की? बात बात पर ताने मत दिया करो, गलती सबसे हो सकती है। हाँ, जैसे तुम्हारे माँ बाप से हुई। तुम माला अपनी जुबान को लगाम दो। वरना वरना हाँ वरना वरना क्या? ए, काम करो तुम लोग, काम करो। बिकू तू भी काम कर। सारे काम मैं ही करूं? इस नालायक को काम से भी नहीं निकाल सकता। लोगों को दहेज में मोटरसाइकिल मिली, मुझे क्या मिला? ऐसा नौकर जो जिंदगी में कभी सपने में भी काम नहीं कर सकता। अरे शुक्र करो, ये तो मिला। स्टॉप इट ना यार, व्हाट इज दिस? 20 साल लगे आपको अपना ड्रीम पूरा करने में, सूर्य प्रकाश भोजनालय को बॉलीवुड कैफे बनाने में, इसलिए ताकि आप इस होटल के हर कोने को झगड़ा करने के लिए यूज करें? For God's sake, आपका स्टाफ भी अस्त है आप पर। God, please, please इन झगड़ों को रोकने का कोई परमानेंट रास्ता दिखाओ। मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो तान्या? ताकि तुम मेरे ग्रैंडपा को एक्सप्लेन कर सको कि तुम्हें शादी से इतनी एलर्जी क्यों है। कम ऑन। अच्छा, बुलाओ बुलाओ उन्हें, कहाँ है वो? आज मेरे पास फ्रेश मैटर भी है। अभी बुलाती हूँ। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। ए तानिया, हाय। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे दादाजी अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं? शट अप। मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए सब कुछ है। 18 साल पहले जब इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया था, उसमें मेरे मॉम डैड। अच्छा, सारे साइंटिस्ट एक ही सैलून में बाल कटवाते हैं क्या? आई किल यू बंटी, कम ऑन। ग्रैंडपा, हाउ इज माय बेटा? ग्रैंडपा, ही इज बंटी। आई एम गोंसाल्वेस। Anthony Gonzalez. Hello, sir. Sir, ये क्या है? ये टाइम मशीन है, वो मशीन जो हमें अपने बीते हुए कल से जोड़ेगी और आने वाले कल को खुशहाल बनाएगी। मतलब एक ऐसी मशीन जो साउंड बैरियर को तोड़कर हमें अपने कल यानी पास्ट में ले जाएगी। टाइम मशीन? प्रोफेसर, वो तो सिर्फ पिक्चरों में बनती है। हाउ कैन यू मेक अ टाइम मशीन इन रियल लाइफ? प्रोफेसर, बना सकते हैं। वी कैन मेक। अगर हम पास्ट को देख सकते हैं तो हम पास्ट में जा भी सकते हैं। लॉजिकली सोचो तो लॉजिक ये बताता है। व्हाट्स दिस यार,
आप यहाँ बंटी को लॉजिक के बारे में नहीं शादी के बारे में समझाने वाले हैं। बात मत बदलो तान्या। सर यू आर सेइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गो अहेड। हम अपना कल हम अल्फा सेंचुरी को देखते हैं जो हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है। हम उसे वैसे नहीं देखते जैसे कि हमें उसे देखना चाहिए, पर हम उसे वैसे देखते हैं जैसे कि वो हमें 4 साल पहले दिखता था। करेक्ट? करेक्ट। सीरियस नाम का तारा जो हम देखते हैं, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे कि वो 9 साल पहले था। हम उसे वैसे नहीं देखते। बाय द वे, आईने में अपनी शक्ल देखते हो? हाँ, हर घंटे। वो भी फ्रेश नहीं होती, वो भी 10 नैनो सेकंड पुरानी होती है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें अपने कल में जाने का मौका मिले तो तुम कौन सी गलती रोकना चाहोगे? मेरे माँ बाप की शादी। यस ग्रैंडपा, दिस इज द टॉपिक शादी। आप इसे पूछिए कि ये मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता। हाँ, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? डर लगता है। ये सब तुम्हारे एक्सक्यूजेस हैं। अगर प्यार करने की हिम्मत है तो शादी करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। लॉजिकली तो तुम्हें तान्या से शादी कर लेनी चाहिए। यस स्टॉप सिंगर, डोंट स्पॉइल हर लाइफ। लॉजिकली सोचो और कल रात 12 बजे से पहले मुझे बता देना, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं टेस्ट ड्राइव पे जा रहा हूँ अपने पास में। प्रोफेसर मुझे सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि कल रात को मेरे पेरेंट्स की 35th एनिवर्सरी है और उनके लिए मैंने एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है। तुम्हें देख के सब हैरान होंगे कि अब तक इसका पति सड़क पे क्यों नहीं आया। जवेरी बाजार का ज्वेलरी शोरूम लग रही है। चोर बाजार के एंटीक्रीज जैसा दिखने से तो अच्छा है। How much he loves me, how much he loves me. Please guys, everyone enjoy the party guys. Go on. Excuse me, get me a drink please. सारे काम मैं ही करूं। भीगू चाचा, मॉम डैड हमेशा से ही ऐसे थे या ये सब शादी के बाद हुआ? अरे वो तो हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन थे। इनकी शादी मनुष्य के इतिहास की सबसे बड़ी दूसरी गलती थी एटम बम के बाद। हालांकि गलती एक्चुअली इन विचारों की नहीं थी, तुम्हारे दादा नानी की थी। वो कैसे? फोटो बन गए, माला पड़ गई। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के बाजू में खड़ा होना आज भी गंवारा नहीं है। तुम्हारे दादाजी राय बहादुर ध्यानचंद, ना इनकी कोई राय लेता था ना ही ये बहादुर थे, खासकर तुम्हारी नानी के सामने। और तुम्हारी नानी भोली देवी, ना ये भोली थी ना ही ये देवी थी। पता नहीं क्यों अपने बच्चों की शादी करवा दी और दहेज मुझे भेज दिया साथ में। पंख होते तोड़ आती मैं रसिया ओ बाल माँ, तुझे दिल का दाग दिखलाती मैं। लो आ गए दी ग्रेट 2 in 1। टू इन वन? हाँ, कुंदन लाल सिंगर हैं, 2 आवाजों में गाते हैं, मेल एंड फीमेल। किचन कुमार क्या हाल है? और ये नए दांत कहाँ से सिलवा लिए? कुंदन, व्हाट अ सरप्राइज। माला। अरे भीकू, ये डोई कहाँ से हो गया? मुझे तो पता ही नहीं था कि कुंदन आ रहा है। कैसे हो कुंदन भैया? माला, किशन, मोना। अब मैं मोना नहीं, माँ चौकेश्वरी हूँ। रेलवे स्टेशन का नाम रखा? कब से? तुम इस किचन कुमार के इतने साल टिक कैसे गए? क्या करें, कई बार सोचा लेकिन मालिक को भी घर से निकलना ठीक नहीं है। क्या? ये कौन है? कुंदन, ये मेरा बेटा है बंटी। हाँ। लेकिन ये तो बड़ा हैंडसम दिखता है। जैसा बाप वैसा बेटा। तू हैंडसम दिखता है। मजाक। अबे तू सिर्फ दिखता है, और वो भी बड़े अफसोस की बात है। बेटा एक जमाने में तुम्हारे डैडी हमारे लिए कैबरे किया करते थे। व्हाट डैड रियली? अच्छा, मजाक कर रहे हैं। उन लोग तो है प्यारे प्यारे डैडी जी ने बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। मतलब तुमने मेरा साहब का मजरा दिखाई दो। किचन कुमार शर्ट बहुत मस्त है। किशन शर्ट के बारे में कुछ मत बोलना। किशन मेरी शर्ट डाल लो। पागल है, सब लोग देख रहे हैं। अरे कम ऑन डैड, डू समथिंग। मजाक है बेटा, मजाक। चलो अभी अभी तब से देखो। शर्ट बहुत मस्त है किशन। मजाक ठीक है किशन, चल रहा है बचपन में किया करते हैं, छोड़ना है। अरे क्या कर रहा है किशन? शर्ट बहुत मस्त है किशन। अरे छोड़ छोड़। अरे कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। कुंदन सिर्फ मेरा दोस्त है, मैंने कभी उसके बारे में वैसा नहीं सोचा। मॉम डैड कम से कम आज की रात तो मत लड़ो। बंटी
तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे? कटरीना कैफ के साथ। बंटी, मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी को डिवोर्स दे रहा हूँ। अरे झूठ, बल्कि मैं उनको डिवोर्स दे रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, यू गाइस हैव फन, आई एम लीविंग। बंटी, बंटी, साथियों, दो लोगों की 35 साल पुरानी गलती के इस सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री कुंदन लाल जी को कि वो यहाँ पर दो आवाजों में एक गाना गाएं। चलो ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गाना मैंने अपनी प्यारी दोस्त माला की किशन के साथ हुई शादी के बारे में बनाया था। सो कैन वी चेंज द मूड नाउ? माने जबरदस्ती ना की होती तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। तुम तो हमेशा से दुनिया के सबसे बड़े बोर हो, ना बात करने की स्टाइल, ना कोई पर्सनालिटी, और कपड़े। कपड़ों के बारे में कुछ मत बोलना माला, कपड़ों के बारे में तो कुछ मत बोलना। पूरे लोखंड वाला में मेरे जैसे कपड़े कोई नहीं धोता, समझी? अरे मैं धोने की नहीं पहनने की बात कर रही हूँ, और मेरे मरने के बाद भी तुम यही कहोगे ना कि अर्थी पर डालने की चुनरी खादी की खरीदना। नहीं नहीं, तुम तो उस वक्त भी खड़े हो जाओगी, बहस करने लगोगी कि चुनरी कांजीवरम की नहीं ला सकते थे तुम। एग्जैक्टली, मेरे जीते जी तो कुछ नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो कुछ मांगू। जीते जी मैंने कुछ नहीं दिया तुम्हें। क्या दिया? एक कुत्ता भी खरीद कर दिया मुझे। हमारे सारे पड़ोसियों के पास कुत्ते हैं, हमारे पास ही नहीं। मैं हूँ ना, फिर घर की सुरक्षा के लिए कुत्ते की क्या जरूरत है मैडम? अरे कुत्ता कम से कम मुझे कंपनी तो देगा, मेरे साथ घूमने फिरने तो आएगा। मैं तुम्हारे साथ घूमने फिरने नहीं आया। कहाँ गए? मुझे बाहर ही कब ले गए? याद दिलाऊं? हनीमून पर। और वो भी क्या सोचा था, कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, और कहाँ ले गए? हुमली। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ तुम्हें किसी का बंगला मुफ्त में मिल रहा था। किशन, तुमने कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं की। पिक्चर ले जाना, डिनर पे ले जाना, पिकनिक तो दूर की बात, तुमने कभी मुझसे प्यार की दो बातें तक नहीं की। ताली दो हाथ से बजती है माला, शादी से पहले भी तुम मुझसे नफरत करती थी और शादी के बाद भी। मैं यूं ही नहीं कि दिन रात अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस में खोने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी यूं ही शॉपिंग नहीं करती रही पागलों की तरह। किशन, अगर आज मैं शॉपहोलिक हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं खुशी इन गहनों, कपड़ों और जूतों में ढूंढती थी। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मुझे वो सुख इन चीजों में कभी नहीं मिलेगा। मेरे 9,35,55,315 रुपए खर्च होने के बाद पता चला तुम्हें? नहीं, अपनी जिंदगी के 12,054 दिन और 23.5 घंटे तुम्हारे साथ बर्बाद करने के। बहुत बड़ा पागलपन करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस डिवोर्स को रोकने का। इनके आज को बदलने के लिए मुझे इनका कल बदलना है। प्रोफेसर, 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 आखिर तुम आई गए। वेल यंग मैन, क्या फैसला किया तुमने तानिया से शादी करने के बारे में? प्रोफेसर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट? साल एंटर करो, कोई भी साल। 1975। तुम्हारा बर्थ ईयर है? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई थी तब तो। शादी और जन्म का क्या संबंध है? खैर, शहर बताओ। मुंबई, बस वही, आई मीन बॉम्बे था। किसी चीज को हाथ मत लगा। नो 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 नो, खास करके ये लाल बटन, इसे दबाने से मशीन फ्लाइंग मोड में आ जाती है, समझे? या संभाल के किसी चीज को हाथ मत लगाना। केयरफुल। Thank you.
तुम्हारी शादी उसके साथ कभी नहीं होगी। काय का प्रोफेसर ना? प्रकाश भोजनालय दादाजी का रेस्टोरेंट। इजाजत दी तुम्हें होली जलाने के लिए? मेरा ही पेड़ बचा था, आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, बस मेरे बेटे को आ जाने दो। तुम्हारा बेटा? उस नाजुक कली को बेटा कहते हो तुम? और करेगा क्या, टहनी को वापस जोड़ देगा पेड़ से? नहीं, बहुत ताकतवर है वो। अच्छा, एक सांस में पूरा पेड़ उखाड़ के अपने घर में लगा सकता है। आज मैंने तुम लोगों को गोली नहीं मारी तो? गोली सेठ, गोली की क्या जरूरत है, आइटम बम है ना, आइटम बम कहां है? ये लो। किशन बेटा, जरा मेरी बंदूक देना। कौन है आप भाई साहब? तेरा बाप गधे। सॉरी बाबूजी, मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी, पर जब आपने मुझे गधा कहा तो मैं एक सेकंड में समझ गया। अच्छा बकवास बंद कर, जल्दी से मेरी बंदूक दे। ये लीजिए पिताजी। ला। संभाल के रुकना वहीं। हाँ, ऐसे ही खड़े रहो, एक दूसरे के पीछे, एक ही गोली से काम चल जाएगा। ये लो, देखता हूँ आज कौन बचाता है तुम लोगों को। मैं बचाऊंगी इन्हें। नानी, संभाल के नानी, ये कांच का टुकड़ा लग जाता आपको
राय बहादुर, ये सब क्या हो रहा है? क्यों डरा धमका रहे हो इन भोले भाले बच्चों को? भोले भाले बच्चे, ये देखिए इन बंदरों ने मेरे पेड़ पौधों का क्या हाल किया है। मैं जानती हूँ, मैंने ही डालियाँ कटवाई हैं। आपने क्यों कटवाई मेरी डालियाँ? आपको क्या आ गया डालियाँ कटवाने का? ये पेड़ मेरा है। चुप! दो चार डालियाँ काट ली तो इसमें कोई इतनी उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, समझे? जब देखो मेरे जामुन का पेड़, मेरे गुलाब के पौधे, अरे चिड़िया, कौवे और कबूतर भी अपने घोंसले नहीं बनाते इस बांज पेड़ पर। और यहाँ इस जामुन के पेड़ के नीचे ये गुलाब के पौधे रखकर क्या गुलाब जामुन उगाएंगे? मैं गुलाब जामुन उगाऊं या गुलकंद बनाऊं, आपको इससे क्या? ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये बंगला जिस पर आप कब्जा करके विराजमान हैं वो भी मेरा है। हाँ, मैं आपको इस घर से निकाल के रहूंगा। इंदिरा जी से मेरी पहचान हो गई है, मैं आप पर इमरजेंसी लगवा दूंगा। वो तो 3 महीने बाद ही लगने वाली है दादाजी। दादाजी तू कौन है बे? ईंट का जवाब पत्थर से देने का बहुत जबरदस्त आइडिया है मेरे पास बाबूजी। कमीनो, अब देखना पूरा है, क्या कर रहे हो? अभी पता चलेगा किस मिट्टी से बना है मेरा बेटा। ये है मेरी डैड और इस मिट्टी से बने। तुमने मेरे बाबूजी को फुगा मारा। मेरे बेचारे खरगोश जैसे नाजुक, कछुए के जैसे निर्दोष और कबूतर के जैसे। ओए मेरी तारीफ करना बंद कर, जवाब दे। जी जी। ये ईंट का जवाब पत्थर। बाबूजी शायद नल के पानी में दबाव कम था इसलिए। बाबूजी नहीं, बाबूजी गधा नहीं, बेवकूफ गधा है। कुर्ता बहुत मस्त है किशन। कुंदन बाबू, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। देखो कुर्ता उतार इसका। सब काम मैं ही करूं। नहीं कुंदन बाबू, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। माला की टोली आ गई। तुझसे तो बाद में निपटते हैं। बीकू चल। माला, अब ठीक है? अब ठीक तो है ना? ये साले लुच्चे मेरे पे पैर रख के चले गए। आप कौन हो? बाद में बताता हूँ। बाय। माँ आ गई। माँ आ गई।